हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें मैसेंजर मिलता है और हम किसी को एसएमएस करते हैं तो गाइस जो एसएमएस होते हैं हमारे तो चले जाते हैं, लेकिन उधर से जो एसएमएस होते हैं वो हमें रिसीव नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उधर से एसएमएस भेज जा रहे हैं लेकिन बट हमारे मोबाइल में वो रिसीव नहीं किए जा रहे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ से जो हमें इसको बैक ला देना होगा अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद जो है हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, तो मोर के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर एक दफ़ा एरोप्लेन मोड लगा देना है और इसको बंद कर देना है। उसके बाद जस्ट आपको बैक लाना है। बैक लाने के बाद और नीचे जाना है आपको। नीचे यहाँ पर मिलता है आपको स्टोरेड ऐप्स, तो स्टोरेड ऐप्स में जाना है और मैसेंजर को यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर लगेगी, तो ये खुल चुका है, तो यहीं पर हमें मैसेंजर भी मिल जाएगा। तो ये लगा इस हमारा मैसेंजर, इसको खोल लेते हैं। और खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्ट्रिकेट डेटा यूसेज, इस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई पर टिक लगा देना, आपको मोबाइल डेटा सिम 1 पर लगा देना है और मोबाइल डेटा सिम 2 पर लगा देना है। इनको तीनों पर टिक लगा देना है और ओके कर देना है। और यहाँ पर आप सबसे कोने पर देख सकते हैं स्टॉप फोर्स पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद गाइस जो भी एसएमएस आपको करेगा वो आपको प्रॉपरली रिसीव होता रहेगा, हाथों हाथ ही रिसीव होगा, जैसे कि अब थोड़ी देर बाद नहीं, बिल्कुल हाथों हाथ ही रिसीव होता रहेगा आपके मैसेंजर अकाउंट में। तो गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।